वेलकम बच्चों, मैं प्रवीण अरोड़ा टीम सीएलसी से। गुरु नीति का सेकंड पार्ट, फर्स्ट अपन ने नेमिंग आइसोमेरिज्म किया था, सेकंड पार्ट पर डिस्कशन और करेंगे। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या पॉइंट हैं, एसिडिक बिहेव, बेसिक बिहेव, इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, रिएजेंट्स या इंडक्टिव रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन क्या है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में कैसा बनता है। 2013 से 2022 तक जो बना उनका अपन सॉल्यूशन करेंगे, उनके आसपास कोई कंसेप्ट है उस पर बात करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर वन आपके पास है, टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स इन फॉलोइंग स्ट्रक्चर। मॉलिक्यूल दिया हुआ है, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का नंबर काउंट करना है, संरचना में पाई अबंध इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी ये बताना है। तो भाई पहले तो अपन मॉलिक्यूल जो दिया हुआ है उसमें पाई बॉन्ड चेक करें कितने हैं। ये आपके पास स्ट्रक्चर का फर्स्ट पाई बॉन्ड है, ये स्ट्रक्चर का सेकंड पाई बॉन्ड है, ये स्ट्रक्चर का थर्ड है और ये स्ट्रक्चर का फोर्थ पाई। ओवरऑल चार पाई है, तो एक बॉन्ड टू इलेक्ट्रॉन का है इसलिए फोर मल्टीप्लाई टू, टोटल बोले बोले तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, एट इलेक्ट्रॉन। पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो है वो एट होंगे। इजी क्वेश्चन है, ये आंसर रहेगा थर्ड। नेक्स्ट कहें हम इसके बाद, ये क्वेश्चन नंबर वन था। क्वेश्चन नंबर टू पे चलें, किस यौगिक में अतिसंयुग्मन पाया जाता है। कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स, हाइपर कॉन्जुगेशन अकर्स इन। हाइपर कॉन्जुगेशन का प्रेजेंस कहां है, तो देखो कंडीशन ये है, अगर आपके पास बेंजीन या एल्कीन का डबल बॉन्ड हो और डबल बॉन्ड से अटैच कार्बन, जिसको अपन फंक्शनल ग्रुप से नेक्स्ट कार्बन को कहते हैं अल्फा कार्बन, हाइब्रिडाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो sp3 होना चाहिए, उसके पास कोई एच हो, इसका मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये सिग्मा सिंगल पाई का एक कंजुगेशन बन जाएगा। अल्फा एच होना चाहिए, अल्फा कार्बन जो है, ये जो अल्फा कार्बन है वो कैसा होना चाहिए, sp3। बिल्कुल ऐसे ही अगर आपके पास कोई स्पीसी हो कार्बोकैटायन, अदरवाइज एक स्पीसी हो फ्री रेडिकल, तो कार्बोकैटायन या फ्री रेडिकल पे भी फंक्शनल जो कैटायन या फ्री रेडिकल कार्बन है उससे नेक्स्ट वाला कार्बन sp3 जो है, अल्फा जो कार्बन है वही अल्फा जो अपन अभी डबल बॉन्ड से अटैच देख रहे थे, अल्फा कार्बन होना चाहिए, अल्फा कार्बन भी बोले तो हाइब्रिडाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से sp3। तो उस कार्बन पे अगर H अवेलेबल है तो अल्फा H अवेलेबल है तो सिस्टम में क्या होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन अतिसंयुग्मन होगा। तो इस एंगल से अपने फर्स्ट ऑप्शन पे काम करें, ये रहा फ्री रेडिकल कार्बन, फ्री रेडिकल कार्बन का लेफ्ट वाला और राइट वाला ये जो दोनों कार्बन है दोनों पे ही अपन कहें तो H अवेलेबल नहीं है, H नहीं है मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन शो नहीं करेगा। ये सेकेंड वाले पे जाओगे तो यहां इसने पीएच 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 दिया, तो पीएच का मीनिंग क्या है, पीएच बोले तो एक्चुअल में इस फिनाइल रिंग के लिए यूज किया है इसने शॉर्ट सिंबल फेनिल। तो यहां पे ये जो कार्बन है इस कार्बन पे तो कोई एच है ही नहीं, तो फिनाइलिक जो भी कार्बन यहां पे आप ऐड करोगे उसके पास अल्फा एच नहीं होगा, इसका मतलब ये भी हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए परफेक्ट नहीं। हाँ, ये जो फ्री रेडिकल है इसके पास यहां पे राइट लोकेशन पे भी कार्बन पे एच है और इस ब्रिज हेड लोकेशन पे भी एच है, तो अपने पास अगर एच अवेलेबल है, एच का नंबर चेंज हो सकता है पर हाइपर कॉन्जुगेशन होने के लिए इतना ही कि अल्फा एच होना चाहिए, तो यहां थर्ड में है इसलिए आंसर अगर अपन कहें तो फिट रहेगा इसके लिए, थर्ड ओनली, केवल थर्ड में हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। और अगर इसी H की जगह पे क्लोरीन जैसा एटम आ जाए तो हाइपर कॉन्जुगेशन में डोनर की जगह विड्रोवर हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, क्योंकि ये दोनों पोजीशन जो मैंने बताई यहां पे अल्फा H के ये जो इलेक्ट्रॉन है वो डोनेशन के मोड में डबल बॉन्ड को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, कैटायन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन कहते हैं। और वहीं पर अगर विड्रोविंग इफेक्ट आ जाए तो उसको अपन क्लोरो जैसा कोई ग्रुप लग जाए तो रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, जिसको अपन माइनस H के नेम से जानते हैं। ये सेकेंड क्वेश्चन था, बेसिक हाइपर कॉन्जुगेशन के अपन कहें तो आइडेंटिफिकेशन का था। फिर देखें क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री क्या कहता है, इन यौगिकों को हाइड्रोजनीकरण की एंथैल्पी का क्रम क्या होगा, या अपन कहें तो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन ऑफ द कंपाउंड्स। तो हाइड्रोजिनेशन का एनर्जी ऑर्डर पूछना चाह रहे, तो एच ओ एच, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन, आप किसी इन को, आइन को या बेंजीन को हाइड्रोजन से रिएक्ट कराते हैं और सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को अपन हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन कहते हैं, क्योंकि एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन के लिए जो मॉलिक्यूल कंपेयर होते हैं, जैसे आपके पास थ्री मॉलिक्यूल हैं, आप उनका हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन का ऑर्डर लगाना चाह रहे हैं, तो दो यहां पे ऑप्शन है, पहला ये मोर पाई बोन मोर एच ओ एच।
अगर गिवन मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड का नंबर डिफर डिफर हो तो वहां पे पाई बॉन्ड का नंबर जैसे बढ़ता है, क्योंकि पाई को जब सिंगल में कन्वर्ट करते हो तो एनर्जी रिलीज होती है। पर ये रिलेशन आपके एग्जांपल के लिए यूजेबल नहीं है, क्योंकि इस एग्जांपल में पाई का नंबर 3 है, यहां पे भी 2 रिंग के और एक आउटर रिंग में टोटल 3 पाई है, यहां पे भी अपन कहें तो 1 2 3 3 पाई। तो पाई का नंबर जब सेम होगा तो वहां पर फिर अपने पास दूसरा रिलेशन होगा, स्टेबिलिटी के इनवर्स होती है हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। मतलब जो सिस्टम जितना स्टेबल है उसके लिए हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन उतना ही कम होगा। तो अगर आप इनका स्टेबिलिटी का ऑर्डर लगा लें तो उसका अपोजिट हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन आएगा। तो भाई इन तीनों का स्टेबिलिटी कैसे लगाएं? स्टेबिलिटी में अपन कहें तो फर्स्ट जो मॉलिक्यूल है उसमें एक अच्छी बात है, पाई 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 अल्टरनेट है, रेजोनेंस कर रहे हैं, और रेजोनेंस में भी एक पोजिशन बनी है जिसको अपन कहते हैं एरोमेटिक केस। क्योंकि एक साइक्लिक सिस्टम में 6 पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो जाए, साइक्लिक रेजो हो 2 इलेक्ट्रॉन का, 6 का, 10 का, तो ऐसा सिस्टम साइक्लिक स्पीसी में एक बेस्ट स्पीसी होती है जिसको अपन कहते हैं एरोमेटिक। तो ये एरोमेटिक बेंजीन रिंग बन रही है। अगर मैं सेकंड थर्ड में देखूं तो ऐसा स्टेबिलिटी का लेवल नहीं है। हाँ ये जरूर है सेकंड और थर्ड में अगर मैं कंपेयर करूं तो सेकंड थर्ड से अच्छा है, क्योंकि सेकंड वाले में पाई पाई का रेजोनेंस प्रेजेंट है, रेजोनेंस भी स्टेबिलिटी प्रोवाइडर होता है, लेकिन पाई पाई 2 का है, एरोमेटिसिटी जैसी कोई बात नहीं, लेकिन यहां पे तो वो भी नहीं है। तो ओवरऑल स्टेबिलिटी का ऑर्डर तीनों के लिए क्या लगा? 1 2 3। तो स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर है उसका अपोजिट, क्योंकि इनवर्स है HOH, तो इसलिए बेस्ट हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन किसका आएगा? थर्ड का। तो आंसर आएगा 3 2 1। तो 3 2 1 अपन देखें तो 3 2 1, ये एक ही ऑप्शन में 3 2 1 दिया हुआ है, तो आंसर जो रहेगा वो कैसा? थर्ड। एक टॉपिक होता है हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, कंसेप्ट इतना ही है, पाई से चेक करते हो या स्टेबिलिटी से। पाई का नंबर अगर अनइक्वल है तो पाई का नंबर चेंज होता है, पाई का नंबर बढ़ता है वैसे वैसे HOH बढ़ेगी। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 था। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, निम्नलिखित यौगिकों में से कौन सा एरोमेटिक है? अमंग द फॉलोइंग इज नॉट, कौन सा एरोमेटिक नहीं है, नॉट एन एरोमेटिक कंपाउंड। तो भाई अभी एरोमेटिक का कंसेप्ट है क्या? एक्चुअल में एक हकल रूल दिया गया, हकल रूल में बताया गया कि अगर साइक्लिक स्पीसी है और उसमें साइक्लिक रेजोनेंस है, लेकिन साइक्लिक रेजोनेंस बोले तो 4n+2 डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन का, तो एरोमेटिक है। अब 4n+2 में क्या लोगे? यहां पे अपन कहें एक कंडीशन है, मोलिक्यूल में साइक्लिक रेजोनेंस होना चाहिए, एक साइकिल मिनिमम 1 साइकिल सिस्टम में हो, जैसा आपके चारों ऑप्शन में है साइक्लिक है, क्या वो साइकिल में रेजोनेंस शो कर पाएगा? और साइकिल में रेजोनेंस भी कितने का? 4n+2 डीलोकेलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन। ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होने का मतलब वो एरोमेटिक होगा। अब यहां पे n वैल्यू आप 0 1 2 पुट करके डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर सेट कर सकते हैं कितना होगा। आपने 0 लिया तो यहां पे आएगा 2 पाई इलेक्ट्रॉन, अगर आप यहां पे 1 पुट करते हैं 4 × 1 4 4 और 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और यहां पे अगर आप 2 लेते हैं 4 × 2 8 8 और 2 10 10 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ओवरऑल यहां पे आप एक नंबर याद रख लो 2 पाई, उसमें आप फिर 4 4 ऐड करते जाओ, 2 पाई 6 पाई 10 पाई 14 पाई 18 पाई। ये जो नंबर है इलेक्ट्रॉन का रेजोनेंस में, अगर ऐसा है और साइक्लिक रेजोनेंस है तो एरोमेटिक होगा। या माइनर सा चेंज कर दे, 4n+2 को हटा दो, 4n डीलोकलाइज कर दो, तो एंटी एरोमेटिक होगा 4 8 12 वाला। तो दो कंडीशन है हकल रूल में, साइक्लिक रेजोनेंस हो 2 6 10 का एरोमेटिक, साइक्लिक रेजोनेंस हो 4 8 12 का तो एंटी एरोमेटिक, और रिमेनिंग जो भी मॉलिक्यूल रहते हैं उसमें साइक्लिक हो या नॉन साइक्लिक उसको अपन कहते हैं नॉन एरोमेटिक। तो यहां पर अगर अपन कहें सामने वाले ने अपने को कहा नोट एन एरोमेटिक, नोट एरोमेटिक नहीं, एरोमेटिक जो नहीं है, आप सामने वाला जानना चाहता है एरोमेटिक नहीं है वो बताओ, तो यहां फर्स्ट वाला अपन कहें तो बिल्कुल एरोमेटिक है। क्यों? साइक्लिक स्पीसी है, साइक्लिक रेजोनेंस पाई 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 पॉजिटिव अल्टरनेट है, तो रेजोनेंस की कंडीशन है बेटा पाई 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 प्लस पाई माइनस, पाई सिंगल इलेक्ट्रॉन, पाई लोन पेयर, प्लस प्लस का लोन पेयर से या प्लस नेगेटिव चार्ज का डी ऑर्बिटल से अल्टरनेट ऑर्डर हो, कंजुगेशन हो तो उसमें रेजोनेंस होता है। तो यहां पाई पाई प्लस अल्टरनेट है, मतलब रेजोनेंस होगा साइकिल में ही होगा, और कितने का? 2 to 4 to 6 का। तो अपने कहा था 6 वाला एरोमेटिक होता है, तो ये एरोमेटिक है, अपना आंसर नहीं है, उसने कहा एरोमेटिक कौन नहीं है। अब आगे वाले सेकंड पे जाऊं तो ये भी एरोमेटिक है, क्योंकि साइकिल में रेजोनेंस यहां भी होगा, पाई और प्लस अल्टरनेट है, रेजोनेंस होगा, और कितने का? पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2, पॉजिटिव चार्ज में तो इलेक्ट्रॉन होगा नहीं, तो 2 पाई का, तो 2 वाला भी क्या होता है? एरोमेटिक।
थर्ड वाले में प्रॉब्लम ये है कि यहां पे साइक्लिक रेजो नहीं है। अब क्यों नहीं है बेटा? क्योंकि ये जो कार्बन है बेटा, ये वाला sp3 आ गया, sp3 आ गया तो ये प्लेनर नहीं है, इसके पास रेजोनेंस के लिए जो ऑर्बिटल की डिमांड होती है वो वहां पे अवेलेबल नहीं है, या रेजोनेंस की कंडीशन ही फुलफिल नहीं हुई पूरी साइकिल में। रेजोनेंस की कंडीशन इतने एरिया में, आप यहां से यहां, यहां से यहां रेजोनेंस कराओ, बट हमें साइकिल में पूरा मूवमेंट वाला रेजोनेंस चाहिए जो यहां नहीं है, साइक्लिक रेजो नहीं है। हालांकि इलेक्ट्रॉन तो यहां भी 6 हैं जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बट वो साइक्लिक फॉर्म में नहीं कर रहे, जबकि यहां पे कैसा कर रहे हैं? साइक्लिक। जैसे मैं सेकंड स्ट्रक्चर की बात करूं, ये है, आप इस बॉन्ड को मूव करोगे तो ये लो साइकिल में इलेक्ट्रॉन का लोकेशन ये हो जाएगा, पॉजिटिव का लोकेशन ये हो जाएगा। अब आप इस बॉन्ड को यहां पे मूव करोगे तो ये यहां आ जाएगा, पॉजिटिव यहां आ जाएगा, तो पॉजिटिव हर कॉर्नर पे जाएगा, साइकिल में रेजोनेंस 2 इलेक्ट्रॉन का होगा, इसलिए ये एरोमेटिक था, ये एरोमेटिक था, थर्ड नहीं है, और थर्ड ही आपका आंसर भी। तो फोर्थ कैसे एरोमेटिक है? क्योंकि साइक्लिक रेजोनेंस उसमें भी होगा, पाई पाई अल्टरनेट है, नेगेटिव अल्टरनेट है, रेजोनेंस होगा, और कितने का? 2 to 4 to 6, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन नहीं है बट नेगेटिव में तो 2 इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन का एक पेयर है, टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो 6 पाई वाला एरोमेटिक। तो ये आपका हक्कल का रूल हुआ। अब यहां पे इलेक्ट्रॉन का नंबर 4, 8, 12 होता तो एंटी एरोमेटिक, तो ये हक्कल रूल एरोमेटिसिटी का रूल है। नेक्स्ट चलें इसके बाद, द रेडिकल बेंजाइल इज एरोमेटिक बिकॉज इट हैज, मूलक बेंजाइल एरोमेटिक है क्योंकि इसमें है, ऑप्शन दिए हैं 7p ऑर्बिटल 7i युग्मित इलेक्ट्रॉन, 6p ऑर्बिटल 7i इलेक्ट्रॉन, 6p ऑर्बिटल 6i युग्मित इलेक्ट्रॉन, 7p ऑर्बिटल 6i युग्मित इलेक्ट्रॉन। तो देखो बेटा, यहां पे जो स्पीसी अपने को दी है, ये वाली, ये स्पीसी एरोमेटिक है, नो डाउट एरोमेटिक है, लेकिन इस एरोमेटिसिटी में रेस्पॉन्सिबल जो एरिया है वो ये वाला है, क्योंकि हम बात करते हैं साइक्लिक रेजोनेंस की, तो साइक्लिक रेजोनेंस इस साइकिल में होगा, ये साइकिल के आउटर जोन में नहीं, साइक्लिक रेजोनेंस यहां होना है, और होना कितने का चाहिए? 2 का 6 का 10 इलेक्ट्रॉन का। तो बेटा 2 to 4 to 6, 6 इलेक्ट्रॉन भी हैं, और 6 इलेक्ट्रॉन अपन कहें तो इलेक्ट्रॉन मूव किस में कर रहे हैं? ये सब के सब 6 जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिड है, sp2 हाइब्रिड है, तो सबके पास p ऑर्बिटल प्योर है, उस p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन मूव करता है। क्योंकि अगर इस रिंग की बात करूं मैं, तो इस रिंग में यहां 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 पे इन सब लोकेशन पे ये CH2 बाहर वाला फ्री रेडिकल, वो भी वैसे sp2 है, लेकिन यहां पे अगर पाई बॉन्डिंग हो रखी है तो पाई बॉन्डिंग का ऑप्शन ये है। अब यहां पे इलेक्ट्रॉन आपको सेम ऑर्बिटल में रोटेट करने हैं, तो ये वाले ऑर्बिटल और ये वाले इलेक्ट्रॉन जो इनमें हैं, यही तो एरोमेटिसिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अब होने को तो इलेक्ट्रॉन वहां भी है, ऑर्बिटल भी है, लेकिन वो अगर इंक्लूड करोगे तो ये एरोमेटिक नहीं होगा, क्योंकि हक्कल का रूल अप्लाई कहां करना है? साइकिल पे, साइक्लिक रेजोनेंस की बात करनी है, वो इतने एरिया में है, तो ये 7p ऑर्बिटल वाला 7 वाला ऑप्शन ठीक नहीं है, और 7 इलेक्ट्रॉन वाला भी नहीं, ये ऑप्शन परफेक्ट है, 6 ऑर्बिटल जो डंबल ऑर्बिटल है और 6 ही इलेक्ट्रॉन उनमें जो अवेलेबल इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 पाई में कितने हो गए? 6, तो यहां पे 6p ऑर्बिटल एंड 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जो इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन सब कार्बन का है, वो इस एरोमेटिसिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो यहां पर आंसर आएगा आपका थर्ड। तो ये आपको हक्कल रूल में और क्लियरिटी देता है कि हक्कल रूल में अपने को इलेक्ट्रॉन काउंट कौन से करने हैं जो साइकिल में रोटेट करते हैं, साइकिल के आउटर वाला रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकता है बट एरोमेटिसिटी का पार्ट नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी आपका हक्कल रूल का था। तो यहां तक आपने हाइपर कॉन्जुगेशन को जान लिया, हाइपर कॉन्जुगेशन के बाद आपने यहां हक्कल रूल, एरोमेटिसिटी का रूल हो गया, इसमें ये दोनों क्वेश्चन हक्कल रूल के थे, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन हो गया और हाइपर कॉन्जुगेशन की कंडीशन। नेक्स्ट कहें अपन इसके बाद, तो अब अगला क्वेश्चन अपना है ये वाला। तो देखो सब यहां पे क्या कहता है, ए टर्शियरी ब्यूटिल कार्बो कैटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी ब्यूटिल कार्बो कैटायन बिकॉज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, किसके कारण एक तृतीय ब्यूटिल कार्बोधनायन द्वितीय ब्यूटिल कार्बोधनायन से अधिक स्थायी है। देखो सब यहां पर दो नाम दिए हैं, पहले आपको स्ट्रक्चर पे जाना होगा, तृतीय ब्यूटिल टर्शियरी ब्यूटिल कार्बो कैटायन क्या है, ब्यूटाइल बोले तो टोटल सिस्टम में कार्बन होंगे 4 कार्बन का जो सिस्टम 3 डिग्री कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज वाला होगा, ये है टर्शियरी ब्यूटिल तृतीय ब्यूटिल कार्बोकैटायन। फिर उसने दूसरा दिया, वो भी ब्यूटिल है लेकिन ब्यूटिल की वैरायटी कौन सी, सेकेंडरी ब्यूटिल कार्बोकैटायन, ये है 4 कार्बन का, ये है 2 डिग्री कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है सेकेंडरी ब्यूटिल। अब दोनों में कंपेरिजन क्या है, टर्शियरी ब्यूटिल धनायन जो है द्वितीयक ब्यूटिल से अधिक स्थायी है, मतलब स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला ज्यादा स्टेबल है, वो कम स्टेबल है ऐसा वो कह रहा है, लेकिन इसका रीजन क्या है,
रीजन आप किसको मानते हो, आर इफेक्ट को मानते हो, आई को मानते हो, आर को मानते हो, अतिसंयुग्मन को, हाइपर कंजुगेशन को मानते हो। तो देखो सब यहां है क्या, कार्बोकेटायन को स्टेबल करने में इंडक्टिव, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन तीनों का रोल हो सकता है। कैटायन एक इलेक्ट्रॉन पुअर स्पीसी है, 6 इलेक्ट्रॉन वाला यहां एक कार्बन होता है, ये जो कार्बन है इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, डेफिशिएंट है तो इसकी डिमांड होगी कि कोई इसे इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करे। तो रेजोनेंस में अगर प्लस आर वाला, हाइपर कंजुगेशन में अगर प्लस एच वाला, और इंडक्टिव में अगर प्लस आई वाला ग्रुप इसे मिलेगा तो वो स्टेबल होगा। तो रेजोनेंस यहां नहीं हो पाएगा क्योंकि रेजोनेंस की अपनी एक कंडीशन है, पाई पाई, पाई प्लस, पाई माइनस, पाई सिंगल इलेक्ट्रॉन, पाई लोन पेयर, पाई वैकेंट ऑर्बिटल, ऐसी सिचुएशन हो तो रेजोनेंस होता है, तो यहां रेजोनेंस तो नहीं हो पाएगा। तो जिन ऑप्शन में इसने क्या कहा है, प्लस आर इफेक्ट या यहां पे माइनस आर इफेक्ट, ये तो बिल्कुल रॉन्ग है, आर इफेक्ट यहां एप्लीकेबल ही नहीं, आपके एग्जांपल में आर इफेक्ट लग ही नहीं रहा। ऑप्शन दो है, माइनस आई इफेक्ट ऑफ सी एस थ्री ग्रुप, सी एस थ्री के माइनस आई प्रभाव के कारण, नहीं साहब ये वाला सी एस थ्री माइनस आई क्यों शो करेगा, प्लस आई शो करेगा, ये डोनर है, ये डोनर है, ये डोनर है, तीनों इसको डोनेट कर रहे हैं, ये भी दोनों डोनेट कर रहे हैं, लेकिन ये विड्रॉवर नहीं है, इसलिए ये वाला ऑप्शन भी क्या हो गया, रॉन्ग। तो सी एस थ्री जनरली मैथिल एथिल प्रोपिल जो है ये कैसे ग्रुप होते हैं, डोनर, जितना बल्कि होता है उतना बड़ा डोनर होता है। हाँ वो एक अलग बात है कि अगर आप बात ही कर रहे हो किसकी, मान लो ऐसा कोई मॉलिक्यूल ले लो आप, मैथिल मैग्नीशियम हैलाइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यहां वाला मैथिल बिल्कुल माइनस आई हो सकता है क्योंकि मैग्नीशियम मेटल से अटैच हुआ है, यहां इसका बिहेवियर माइनस आई, लेकिन यहां नहीं, यहां वो पॉजिटिव वाली डेफिशिएंट स्पीसी से अटैच है तो उसके लिए वो डोनेशन का ही बिहेव करेगा, हाई ईएन वाले पे लो ईएन वाला क्या करेगा, डोनेट करेगा, तो प्लस आई लगाएगा माइनस आई नहीं, तो इसलिए आंसर जो आएगा वो कौन सा आएगा, सेकंड। हालांकि इस कैटायन के पास इंडक्टिव सपोर्ट भी है लेकिन उससे बड़ा सपोर्ट है हाइपर कंजुगेशन का, अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी, कैटायन के पास अल्फा कार्बन एसपी थ्री पे अगर एच हो तो यहां पे आपके पास अल्फा एच का नंबर 9 है, 9H जो है वो इसके साथ नो बोंड रेजोनेंस करेंगे, लेकिन यहां पे अगर अपन कहें तो ये अल्फा और वो अल्फा एच का नंबर 5 हो गया, रूल होता है मोर एच मोर स्ट्रक्चर मोर स्टेबिलिटी, हाइपर कंजुगेशन में एच का नंबर बढ़ता है तो स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी, तो इसलिए ज्यादा बेटर कौन सा हुआ ये, और इसको एक्सप्लेन करने वाला जो रीजन है वो कौन सा, हाइपर कंजुगेशन, आंसर सेकंड आएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखें इसके बाद अगला क्वेश्चन, कौन सा कार्बोधन आयन सबसे अधिक स्थाई है, फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन। देखो कैटायन पे अभी अपनी बात हो गई, कैटायन एक ऐसी स्पीसी है जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पे अगर आप डोनेशन कराओगे, रेजोनेंस से डोनेशन कराओगे, हाइपर कंजुगेशन से डोनेशन कराओगे, इंडक्टिव से डोनेट करोगे तो स्टेबल होगा वरना अनस्टेबल होगा। देखते हैं ये अपने से जानना चाहता है सबसे अधिक स्थाई, मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन। तो देखो फर्स्ट वाला कैटायन ऐसा है जिसके पास रेजोनेंस जैसी कोई सपोर्ट नहीं है, सेकंड वाले के पास अपन कहें बिल्कुल रेजोनेंस की सपोर्ट है, पॉजिटिव को पाई पाई अल्टरनेट मिल रहे हैं, रेजोनेंस करेगा, तो फर्स्ट वाले से सेकंड वाला ज्यादा बेटर है, थर्ड वाले में भी रेजोनेंस है लेकिन यहां पर 2π का है, यहां 1π का है, और लास्ट वाले में कहें तो लास्ट वाले में भी 1π का, तो ओवरऑल यहां क्लियर हो गया बड़ा रेजोनेंस किसके पास है, सेकंड वाले के पास, रेजोनेंस के साथ साथ क्योंकि बाकी किसी में भी, इसमें रेजोनेंस है 1π का, इसमें रेजोनेंस है 1π का, इसमें रेजोनेंस है ही नहीं, तो कंपटीशन इनके बीच में था, और इनमें विनर ये क्यों था, मोर कंजुगेशन मोर स्टेबिलिटी, तो यहां पे अपन कहें तो 1 1π के रेजोनेंस से 2π का रेजोनेंस जो है वो बेटर होगा, मोर स्टेबिलिटी प्रोवाइडर होगा, तो इसलिए अपन कहें तो ये क्या होगा, सेकंड वाला इसका आंसर आएगा क्योंकि रेजोनेंस से स्टेबल हो रहा है वो। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है, कौन से यौगिक में CCl आबंध को आयनीकरण से सबसे ज्यादा स्थाई कार्बोनियम आयन देता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड CCl बॉन्ड आयोनाइजेशन शेल गिव मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन। कार्बोनियम बोले तो कार्बोकेटायन को कहेंगे, कार्बोनियम कार्बोकेटायन एक ही बात है, कार्बोनियन आयन कह दें, कार्बोनियम कह दें, कार्बोनियन आयन कहें, तो देखो यहां पे ये CCl बॉन्ड है, आयोनाइजेशन का मतलब आप इसका एक हेट्रोकट लगाएं और यहां पे एक पॉजिटिव कार्बोनियम बनाएं, यहां एक हेट्रोकट लगाएं, यहां एक पॉजिटिव बनाएं, यहां एक हेट्रोकट लगाएं, यहां एक पॉजिटिव बनाएं, यहां एक हेट्रोकट लगाएं, ये पॉजिटिव, ये है बेटा आयोनाइजेशन आयनन, कार्बोनियम हमने बना लिए, अब मोस्ट स्टेबल कौन से वाला है, अब ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है जो अभी थोड़ी देर पहले किया, कैटायन डेफिशिएंट है, चाहेगा क्या कोई रेजोनेंस से उसे स्टेबल करे, रेजोनेंस नहीं तो हाइपर कंजुगेशन से करे, हाइपर कंजुगेशन नहीं तो इंडक्टिव से करे, तो अगर मैं फर्स्ट वाले के पास देखता हूं तो मुझे लगता है यहां ये जो नाइट्रो प्रेजेंट है ये इस पॉजिटिव को कोई रेजोनेंस नहीं दे पाएगा,
लेकिन अगर अपन यहां कहें तो भी ऐसा कोई रेजोनेंस वाला केस नहीं है, यहां देखें तो भी नहीं है, लेकिन ये जो पॉजिटिव है ये इन पाई के साथ डायरेक्ट रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। पॉजिटिव का पाई से अल्टरनेट ऑर्डर आया, ऐसा नहीं है, ऐसा इसमें भी नहीं है, ऐसा इसमें भी नहीं है, तो सबसे बेस्ट क्या होगा, बड़ा इफेक्ट आर एच आई में डोमिनेटिंग इफेक्ट आर होता है, सेकेंड एच होता है, थर्ड आई होता है, आर से अगर आंसर आ रहा है तो एच और आई वाला कंसिडरेबल नहीं है। इन जनरल रेजोनेंस वाले जो स्टेबल कैटायन है वो नंबर वन पे आते हैं। इससे पहले भी आपने अभी जो क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें भी यही था, इन तीनों के पास रेजोनेंस था और बड़ा रेजोनेंस इसके पास था तो हमने उसको डोमिनेट माना, यहां बाकी फैक्टर काउंट नहीं किए। तो नेक्स्ट वाले पे जाएं तो यहां पे भी वही बात है, बेस्ट कौन सा होगा, फोर्थ होगा। फोर्थ वाले में आयोनाइजेशन के बाद जो कैटायन बनेगा बेंजिल वो रेजोनेंस से स्टेबलाइज होगा। चलिए अब यहां से आपका फिर एक टॉपिक चेंज हो रहा है, यहां तक चले इंटरमीडिएट, अब आ रहा है कौन सा, एसिडिक बिहेवियर की बात। अम्लीय सामर्थ्य का सही क्रम क्या है, फॉलोइंग ऑर्डर इज एसिडिक स्ट्रेंथ। देखो एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में अपन कहें तो ऑर्गेनिक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ लगाने का कंसेप्ट है मोर स्टेबल कॉन्जुगेट बेस मोर एसिडिक स्ट्रेंथ। अगर आप ऑर्गेनिक एसिड का एसिडिक बिहेवियर कंपेयर कर रहे हो तो गिवन एसिड का H+ लूज कर दो, मॉलिक्यूल जो भी है उसमें एक प्रॉपर लोकेशन से आप H+ लूज करते हैं, रिमेनिंग स्पीसी का नेम ही कंजुगेट बेस। वो कंजुगेट बेस अगर स्टेबल है तो इसका मतलब आपका एसिड भी बेटर है, मोर एसिडिक। अब उसकी स्टेबिलिटी चेक कैसे करोगे, देखो यहां पर अपन करें, आपके सामने मॉलिक्यूल दिए हुए हैं, कार्बोक्सिलिक दिया हुआ है, एल्काइन दिया हुआ है, एसिटिलीन वाटर दिया हुआ है, एल्कोहल दिया हुआ है। तो अगर कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक बिहेवियर शो करेगा तो प्रोटॉन लॉस करने के बाद जो नेगेटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव नहीं सॉरी नेगेटिव चार्ज जो आना है वो किस पे आएगा, ऑक्सीजन पे, यहाँ पे कार्बन पे आएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन पे आएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन पे आएगा, तो ये जो स्पीसी बनी यही कॉन्जुगेट है, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रोटोन लॉस होने के बाद कॉन्जुगेट बनता है कार्बोक्सिलेट, एल्काइन में प्रोटोन लॉस होने के बाद कॉन्जुगेट बनता है ये वाला, और अगर अपन वाटर में कहें तो कंजुगेट बनेगा ये हाइड्रोक्सी ग्रुप कहेंगे जिसे, और अगर एल्कोहल में जाओगे तो वो कंजुगेट बनेगा ये वाला। अब कंजुगेट एक्चुअल में एनायन है, एनायन बोले तो इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन रिच है तो इसकी डिमांड कैटायन से अपोजिट होती है, कैटायन की डिमांड है डोनेशन, लेकिन एनायन की डिमांड है विड्रॉ करे, कोई ग्रुप अगर उस पर माइनस एम लगा पा रहा है, माइनस आई लगा पा रहा है तो क्या होगा, स्टेबल होगा। तो अगर मैं इन चारों में कंपेयर करता हूं तो मुझे लगता है ये ओपे नेगेटिव है, ये ओपे नेगेटिव है, ये ओपे नेगेटिव है। पहली अच्छी बात तो ये है ओ हाई एन वाला हो, हाई एन बोले तो नेगेटिव होल्ड करने की कैपेसिटी है उसके पास, इसका मतलब ये वाला एंड पे जाना चाहिए, बाकी सब पहले आएंगे। और अगर मैं यहां पे कहूं तो इन तीनों में से भी नंबर वन पे रहना चाहिए ये, क्योंकि इसके पास रेजोनेंस का फिनोमिना भी है, ओनली ईएन का ही मैजिक नहीं है, ईएन के साथ साथ रेजोनेंस आता है, और रेजोनेंस एक बड़ा इफेक्ट है, पहले अभी बात हुई थी अपन बात कर रहे थे कैटायन स्टेबिलिटी में, तो एनायन में भी अगर रेजोनेंस से एनायन स्टेबल हो रहा है तो अच्छा है। अब उसके बाद इन दोनों की बात रही, इन दोनों में कौन अच्छा है, इन दोनों में OH अच्छा है, क्यों, क्योंकि H कहीं डोनेशन नहीं करेगा बट R का थोड़ा डोनेटिंग इफेक्ट रहेगा, इसलिए वो एनायन को क्या करेगा, डोनेट करके अनस्टेबल करेगा। और सबसे लास्ट पे आपको ये लेना है क्योंकि इसके पास ईएन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ओ से कम ईएन है, और दूसरा अपन कहें तो रेजोनेंस जैसा भी इसे कुछ नहीं आता, तो नंबर वन पे आएगा कौन सा एसिड, क्योंकि जिसका कॉन्जुगेट बेटर है, प्रोटॉन लूज करने के बाद कॉन्जुगेट अच्छा फील करता है, इसका मतलब अच्छा एसिड है, तो कार्बोक्सिलिक टॉप पे आना चाहिए, कार्बोक्सिलिक सब में टॉप पे लिया हुआ है। कार्बोक्सिलिक के बाद अगर अपन कहें तो वाटर एल्कोहल और एल्काइन में से अपने को पहले लेना चाहिए वाटर को, तो यहां वाटर है, यहां वाटर है, यहां एल्कोहल या एल्काइन है, ये दोनों ऑप्शन रॉन्ग हो गए, ये दोनों चलेंगे। अब इस वाटर के बाद आपको लेना था एल्कोहल, तो एल्कोहल इसमें दिया हुआ है, ये रॉन्ग हो गया, तो ओवरऑल यहां पर अपन कहें तो ये वाला आंसर इसका फाइनल है, क्योंकि एसिड में कंजुगेट जिसका बेटर है, कंजुगेट स्टेबल है, नेगेटिव चार्ज जिसका स्टेबल है वो ज्यादा अच्छा एसिड होगा। और डाटा की बात करूं तो कार्बोक्सिलिक एसिड का डाटा आपकी एनसीईआरटी में थर्ड चैप्टर 12 में दिया हुआ है, जो एसिडिक एसिड है उसके लिए पी के ए 4.76 होता है, और ये जो वाटर और एल्कोहल है इनमें माइन्यूट सा डिफरेंस होता है, एल्कोहल 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में रेंज होती है 16 to 18 पी के, लेकिन वाटर का 15.7 होता है पी के, तो इसका मतलब वाटर बेटर होगा। मेथेनॉल इसमें एक्सेप्शन होता है बेटा, मेथेनॉल जो है वो एल्कोहल कैटेगरी का होके भी वाटर से आगे, हालांकि यहां मेथेनॉल दिया नहीं हुआ, ये अपन एज ए नॉलेज बात कर रहे हैं। और एल्काइन में कहें तो यही पीके 25 होता है,
तो डाटा पे जाऊं तो यहां पे कहते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ के ए के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, पी के ए के इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। तो पीके ए जितना कम होता है एसिड उतना बेटर है। तो मैं बोल रहा हूं अगर एसिड एसिडिक होता तो 4.76, वाटर का 15.7 और इसका 16 to 18, क्योंकि अल्कोहल उसने क्लियर नहीं किया आपको 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री क्या है, एल्काइन में कहें तो अप्रोक्स 25। तो जितना पीके बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे वो एसिडिक कम होगा। तो ये एसिडिक वाटर है भाई, डाटा पे देखना चाहें एसिड का आपको मिल जाएगा, आप चेक करोगे कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर एनसीईआरटी आपने देखा होगा उसमें दे रखा है इसका वैल्यू। चलिए तो ये आपका एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन हुआ और देखते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ पे विच वन इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। यहां पे भी आपको एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर जानना चाह रहा है। देखो कंपैरिजन किस में है, एक एल्काइन है दूसरा एल्काइन है एक एल्कीन है और एक एल्केन है। तो देखो वैसे तो यहां मैं कहूं तो एल्काइन बेटर होता है एल्कीन से, एल्कीन बेटर होता है एल्केन से। डाटा बेस बात करूं तो एल्केन का पीके 50 के आसपास आता है, 50 लगभग, और एल्कीन का 44 और एल्काइन का 25। ये इनके लिए फिगर है पीके के, उसके हिसाब से जाएं। लेकिन अगर उसमें नहीं जाना चाहो तो फिर वही फंडा लगाओ, आप अपने एसिड का कंजुगेट बनाओ और फिर चेक करो कि वो स्टेबल है या अनस्टेबल है। तो देखो अगर आपके पास, पहले एग्जाम्पल से ले रहा हूं मैं, एसिटिलीन है उसका कंजुगेट बनेगा ये, फिर हमने लिया प्रोपाइन, प्रोपाइन का कंजुगेट बनेगा ये, एल्कीन में चार एच हैं, चार में से कोई भी एच लूज कर लो कंजुगेट बनेगा ये, और एथेन में अपन कहें तो आपने एच रिमूव किया तो कंजुगेट बनेगा ये। एसिड का कंजुगेट बनाइए, स्टेबिलिटी चेक करिए। तो यहां पे ये हाई अनस्टेबल एनायन है क्योंकि एक तो ईएन उसकी हेल्प नहीं कर रही, जिस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो उसका ईएन 2.5 है, आप आगे जाइए उसका ईएन 2.75 हो गया क्योंकि एसपी sp2 और sp3 कार्बन के लिए en के वैल्यू चेंज होते हैं, s करेक्टर बढ़ता है en बढ़ती है, sp वाला क्या होता है 3.25 en का, ये 2.75 en का और ये 2.50 en का। तो अगर चारों में कंपेयर करते हो तो इतना तो क्लियर है इन तीनों में कि स्टेबिलिटी यहां बढ़ेगी क्योंकि 2.5 पे नेगेटिव है, ये 2.75 पे नेगेटिव है, ये 3.25 पे नेगेटिव है। तो फिर इन दोनों में क्या कंपेयर होगा, चलो उनमें तो सीधा सीधा en लग गई, और ये भी कह सकते हो ये साथ वाला मेथिल डोनेट करेगा, लेकिन यहां पे ऐसा डोनर कोई नहीं है। यहां अपन कहें तो दोनों में वैसे तो 3.25 है, लेकिन इस मेथिल का डोनेटिंग इफेक्ट इसको पीछे ले जाएगा। तो यहां पे आपकी जो फर्स्ट लाइन में आंसर दिया हुआ है यही परफेक्ट है, एसिटिलीन बेटर है, फिर प्रोपाइन है, फिर एथीन है और फिर एथीन है। तो लॉजिक से लगाओ, डाटा भी बता दिया, पीके का फिगर अपन कहें तो 50, 44 और एल्काइन के लिए 25, लेकिन इस 25 इसके लिए अपन कहें तो 25 से थोड़ा सा और बढ़ेगा, रीजन उसका क्योंकि आपने मेथिल लगा दिया, माइन्यूट चेंज आएगा। नेक्स्ट देखिए, करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये लो सब एसिडिक बिहेवियर का ही क्वेश्चन है, तरीका वही, लेकिन अब की बार तीनों कंपेयर होने वाले एसिड कौन से हैं, सेम है। जब सेम आते हैं तो सीधा सीधा इफेक्ट से क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आप एच को भगाओ कंजुगेट बनाओ, एच को भगाओ कंजुगेट बनाओ, कंजुगेट बनाओ कंजुगेट से पूछो कि भाई कैसा लग रहा है, तो कंजुगेट कहे कि मेरे में रेजोनेंस हो रहा है, तो वो तो सारों में है बेटा, कॉमन इफेक्ट आंसर नहीं देता, भले वो बड़ा इफेक्ट हो, रेजोनेंस बड़ा इफेक्ट है। जो यहां पे इसका कंजुगेट बन रहा है वो नो डाउट रेजोनेंस कर रहा है, लेकिन इससे आंसर इसलिए नहीं आ पाएगा क्योंकि रेजोनेंस सब में हो रहा है। तो फिर अब अलग क्या है, ये जो पूरी कार्बन चेन इसके साथ अटैच है, इसका इफेक्ट, इसका इंप्रेशन इसके लिए डोनेशन का है, क्योंकि sp3 कार्बन sp2 पे अटैच होगा तो डोनेशन करेगा, और कॉन्जुगेट बेस एक एनायन होता है, एनायन को डोनेशन अच्छा नहीं लगता, विड्रॉविंग इफेक्ट अच्छा लगता है, डोनेशन करेगा तो उसे अनस्टेबल कर रहा है। अब ये ओ आने से, ये ओ आने से ही विड्रोवर हो गया क्योंकि ओ का ईएन हाई होता है, लेकिन विड्रोवर में भी अपन कहें तो ये विड्रोवर ज्यादा बेटर है, ये विड्रोवर उतना अच्छा नहीं है क्योंकि डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है इंडक्टिव। यहां जो ओ है वो 1, 2 सेकंड कार्बन पे आ गया और यहां पे वो जो आया है वो थर्ड कार्बन पे आया है, तो डिस्टेंस डिपेंडिंग इफेक्ट है, इसलिए अपन कहें तो इसका इंप्रेशन उतना अच्छा नहीं आएगा। सबसे बेटर कॉन्जुगेट जो होगा वो सेकंड होगा, सेकंड टॉपर वाला एसिड है, सेकंड टॉप वाला है, इसमें भी सेकंड टॉप वाला है, तो ये दोनों तो ऑप्शन होंगे ही नहीं, तो यहां सेकंड सेकंड के बाद अपने को क्या लेना चाहिए, थर्ड। विड्रोवर तो है, यहां तो पूरी की पूरी चेन ही डोनर है, तो सेकंड के बाद थर्ड लेना है, इसलिए आपको आंसर क्या लेना चाहिए, फर्स्ट, ये आंसर आएगा। नेक्स्ट देखें, इसके बाद कौन सा सर्वाधिक अम्लीय यौगिक है, विच वन इज द मोस्ट एसिडिक कंपाउंड। एसिडिक का है, लेकिन अब की बार सारे क्वेश्चन जो सारे मॉलिक्यूल जो दिए हैं वो फिनॉल कैटेगरी के। देखो यहां होगा क्या,
आप एच को रिलीज करो, कॉन्जुगेट बनाओ फेनोक्सी। एक अच्छी बात है, फेनोक्सी जो है वो यहां से रेजोनेंस करेगा और रेजोनेंस करने में ऑर्थो लोकेशन पे जाएगा, ऑर्थो से मूव करेगा पैरा पे जाएगा, पैरा से मूव करेगा ऑर्थो पे जाएगा। फिनॉल की फेनोक्साइड आयन की 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगी, जिनकी डीमेरिट यही होगी कि नेगेटिव चार्ज जो है वो कार्बन पे मूव करेगा। हालांकि ठीक है, रेजोनेंस आता है एल्कोहल से, एल्काइन से, इनसे बेटर एसिड है, पीके का फिगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 10 है। लेकिन यहां पे और ज्यादा बेटर करने के लिए, जैसे ही आपने यहां नाइट्रो ये ऐड किया, नाइट्रो इफेक्ट लगाता है बेटा माइनस एम और माइनस आई। आप इसके डिटेल रेजोनेंस में जाओगे, ये नेगेटिव चार्ज यहां से मूव करके पहली बार इलेक्ट्रॉन स्टे कहां कराता है, ऑर्थो। ऑर्थो से जब वो मूवमेंट करता है तो अगला स्टे पॉइंट कौन सा होता है, पैरा। और पैरा से जब वो मूव करता है तो नेक्स्ट स्टे पॉइंट क्या होता है, ऑर्थो। तो ये नाइट्रो लगाया, नाइट्रो भी प्रॉपर लोकेशन पे लगाया, जहां नेगेटिव आएगा वहीं पे नाइट्रो लगाया हुआ है। तो यहां एक नेगेटिव चार्ज जब आएगा तो ये नाइट्रो ग्रुप जो आप देख रहे हो ये यूं से उसको शिफ्ट कर लेगा अपने में, इंडक्टिव से भी विड्रॉ करेगा और बीजोमेरिक से भी विड्रॉ करेगा। तो इसका एसिडिक लेवल जो है वो बेटर होगा फिनॉल से, क्योंकि विड्रॉइंग इफेक्ट लगा दिया, कॉन्जुगेट बेस को रिलीफ मिल रहा है। अब यहां तो सब हद कर दी आपने, यहां पे तीन तीन नाइट्रो लगे हुए हैं और लोकेशन भी बिल्कुल वो जहां जहां नेगेटिव आने वाला है। तो माइनस एम माइनस आई, माइनस एम माइनस आई, माइनस एम माइनस आई से ये अपन कहें तो इसको विड्रॉ करके स्टेबल करें। तो इसका एसिडिक लेवल, इसको कहते हैं पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड का एसिडिक लेवल कार्बोक्सिलिक से भी बेटर होता है। अगर मैं नॉर्मली एसिटिक एसिड और फिनॉल में कंपेयर करूं तो एसिटिक एसिड जो होता है वो फिनॉल के कंपैरिजन में डबल एसिडिक होता है। एनसीईआरटी में डाटा गिवन है, पीके 10 होता है और इसका पीके 4.76 होता है। लेकिन जो पिक्रिक एसिड आप देख रहे हो वो पिक्रिक एसिड का एसिडिक लेवल एसिटिक से भी टॉप का होता है। बोले तो यहां पे 0.3 पीके का फिगर जो चला जाता है वो ये, बोले तो एसिटिक एसिड से भी ज्यादा बेटर। वजह क्योंकि आपने हर नेगेटिव के लिए जो कॉन्जुगेट बेस बना उसको स्टेबल करने के लिए सब पे स्पेशल एक नाइट्रो 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 लगाया। हालांकि बेनिफिट यहां भी हुआ है पर इतना नहीं, पीके 10 है लेकिन इसका पीके पैरा नाइट्रो का देखोगे तो कितना आएगा, पीके 7 पॉइंट समथिंग, 7.1 7.2 पैरा नाइट्रो और ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल में अपन कहें तो 7.1 होता है पैरा का और ऑर्थो का होता है 7.2। हालांकि यहां वो नहीं दिया हुआ। अब ये जो CH3 दे रखा है ये तो बेटा प्लस एच और प्लस आई का है और डोनर एसिड के लिए कभी अच्छा नहीं होता। तो अब आपने पूछना क्या चाह रहा था, ये तो अपने सबके बारे में बात कर ली। मोस्ट एसिडिक कंपाउंड, तो मोस्ट एसिडिक इनमें से एक ही है और वो कौन सा है, थर्ड। रीजन उसका बता दिया, हालांकि आपको डाटा अगर नहीं जाना हो, डाटा की बात अपने नॉलेज के लिए कर ली। वैसे यहां पर अपन कहें तो अपने को जो क्वेश्चन सोल्व करना था वो इतना सा कि इनमें से एसिड अच्छा कौन। तो भाई फिनॉल, सारे फिनॉल डेरिवेटिव है, एच निकालोगे कॉन्जुगेट बनेगा, कॉन्जुगेट जब रेजोनेंस करेगा तो रिंग के ऑर्थो पैरा ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज आएगा जो उसकी डीमेरिट है। उस डीमेरिट को मेरिट में बदलने के लिए तीन तीन नाइट्रो लगे हुए हैं तो इसलिए टॉप का एसिड जो होगा वो पिक्रिक होगा। और पिक्रिक का एसिडिक लेवल वो है जो कार्बोक्सिलिक एसिड को भी चैलेंज करता है, कार्बोक्सिलिक से भी ज्यादा बेटर एसिडिक होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसके बाद नीचे कथन दिए गए हैं, इलेक्ट्रॉन अपने नाइट्रो समूह के कारण एक प्रतिस्थापी नाइट्रोफिनोल की अम्लता फिनोल से अधिक होती है। इन एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोफिनोल इज हायर देन द फिनोल बिकॉज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नाइट्रो ग्रुप। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है बेटा, ये कहना ये चाहता है कि अगर आपके पास फिनोल है और दूसरा आपके पास फिनोल है जहां रिंग के ऊपर एक नाइट्रो है, यहां उसने मेंशन किया एक प्रतिस्थापी नाइट्रोफिनोल, मोनो सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोफिनोल। हालांकि उसने ये नहीं मेंशन किया कि नाइट्रो कहां लगाया है, बस ये कहना चाहता है कि नाइट्रो ग्रुप अगर आपने ऐड कर दिया रिंग पे तो बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नाइट्रो ग्रुप, विड्रॉइंग नेचर की वजह से उसका एसिडिक बिहेवियर अच्छा होगा फिनॉल से, नो डाउट अच्छा होगा। इलेक्ट्रॉन अपने समूह के कारण प्रतिस्थापी नाइट्रोफिनॉल की अम्लता फिनॉल से अधिक होती है। बिल्कुल ठीक कह रहा है, गलत नहीं कह रहा, जाके एनसीईआरटी में डाटा चेक किए होंगे आपने, एक बार और कर लेना। फिनॉल का पीके होता है 10 और नाइट्रोफिनॉल जो होता है पैरा नाइट्रोफिनॉल का 7.1, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का 7.2 और मेटा नाइट्रोफिनॉल का 8.3। लेकिन 10 से बिलो जाता है, 10 से डिक्रीज करता है। नाइट्रो लगाओगे कहीं भी लगाओ बेनिफिट मिलेगा, पैरा पे सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलता है। तो चलो स्टेटमेंट वन ओके है। दूसरे वाले में कहें ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल मेटा नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल विल हैव सेम एसिडिक स्ट्रेंथ, बिल्कुल गलत,
क्योंकि वो डाटा मैंने अभी बोला 7.1, 7.2, 8.3 तो सेम थोड़ी डाटा, सबका अलग अलग है और इंप्रेशन भी हमें ये मालूम है, नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पैरा आएगा तो अपने को वैसे तो प्रॉपरली नाइट्रो ऑर्थो या पैरा पे लगाने पे बड़ा बेनिफिट मिलता है और ऐसा होता भी है, तो तीनों का सेम कैसे आएगा? हैव वन नाइट्रो ग्रुप अटैच टू द फिनोलिक रिंग टू रिंग इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर द ऑप्शन गिवन बिलो। तो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, मेटा नाइट्रोफिनोल और पैरा नाइट्रोफिनोल की अम्लता समान होती है क्योंकि उनमें एक नाइट्रोसमूह को फिनोल वाले के साथ संगलन होता है। हाँ ठीक है, नाइट्रो लगा हुआ है, बेनिफिट दे रहा है, पर समान नहीं होती, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। अब अपने को कंफर्म करना है कि क्या आंसर क्या आएगा। बोथ स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू आर इनकरेक्ट। नहीं, दोनों तो इनकरेक्ट नहीं, फर्स्ट वाला करेक्ट है, सेकंड वाला इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट वन इज करेक्ट, स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। हाँ, ये वाला आंसर ठीक है, कथन एक सही है परंतु कथन दो सही नहीं है, यही अपन ने कहा। कथन एक सही नहीं है, गलत बात, कथन एक तो सही है। कथन एक और कथन दो दोनों सही हैं, नहीं ये भी गलत है, दोनों सही नहीं है। तो आपका आंसर जो फाइनल रहेगा वो कौन सा? सेकंड। चलिए नेक्स्ट देखिए इसके बाद। अब देखो आप यहां पे ये क्वेश्चन आपका नाइट्रोफिनोल का है जिसकी बात कर रहा है, इसके एनसीईआरटी में फिगर दिए हुए हैं। इससे जस्ट पीछे वाला जो क्वेश्चन आपको दिया था, ये वाला, ये सारे फिनॉल, पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड का डाटा वहां नहीं दिया हुआ, फिनॉल का, पैरा नाइट्रोफिनॉल का और क्रिसोल के नाम से इसका भी फिगर दिया हुआ है। 10 point something, 10 से अबव जाता है फिनोल से, फिनोल के पीके से भी पीके बढ़ता है, तो इसका भी वैल्यू आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है। नेक्स्ट इस पे जाओगे, ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड, थर्ड चैप्टर जो एनसीईआरटी का है, इन मॉलिक्यूल का फिगर तो नहीं दिया हुआ पर इसके बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन दे रखा है उन्होंने। नेक्स्ट ये वाला, अगर आप हाइड्रोकार्बन 11th का हाइड्रोकार्बन में एल्केन एल्कीन एल्काइन चैप्टर पढ़ोगे तो वहां एज इट इज ऑर्डर मिल जाएगा आपको एनसीईआरटी में। नेक्स्ट देखें, ये वाला भी आपका ओवरऑल कंपैरिजन है कार्बोक्सिलिक का, एल्काइन का, एल्कोहल का, वाटर का, ये है। तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ के जो भी क्वेश्चन आपको दिए हैं, यहां से आपका एसिडिक बिहेवियर शुरू हुआ था, सारे क्वेश्चन वही हैं जो एनसीईआरटी के कंटेंट के आसपास है, मतलब बिल्कुल ऐसे वाले क्वेश्चन जिनका डाटा ही आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। अब यहां से आपका दूसरा पॉइंट शुरू होता है, बेसिक बिहेवियर, इस पर बात करते हैं। हाँ जी बच्चों, जीओसी का यहां से एक नया पॉइंट शुरू हो रहा है, बोले तो बेसिक बिहेवियर, निम्न अमीनो को क्षारकता के क्रम में बताइए, फॉलोइंग अमाइन इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बेसिसिटी, बेसिक बिहेवियर का ऑर्डर लगाना है। तो देखो, जैसे एसिडिक बिहेवियर के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कंसेप्ट, मेन कंसेप्ट ये है, हालांकि कुछ चीजें अपन कहें तो फैक्ट पे डाटा पे चली जाती हैं, लेकिन जनरल क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है किससे, एसिड का कंजुगेट बनाइए, कंजुगेट जो नेगेटिव आयन है उसके पास अगर विड्रोवर है तो एसिड अच्छा होगा, कंजुगेट स्टेबल है इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो बेसिक बिहेवियर के लिए भी ऐसे बेसिक पॉइंट क्या है, बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगी लोन पेयर अवेलेबिलिटी के, मतलब लोन पेयर लोकलाइज्ड है या डीलोकलाइज्ड। एक ऐसा इलेक्ट्रॉन पेयर बेस होने के लिए तो कंडीशन है कि जो आपका ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक में मेनली अमाइन जो ग्रुप है इसको बेस की तरह कंसीडर कर। अब इसके बेस होने के पीछे दो पॉइंट हैं, एक तो ये लोन पेयर डोनर है इसलिए लेविस बेस की तरह बिहेव करता है, प्रोटॉन एक्सेप्टर है इसलिए ब्रांस्टेड बेस की तरह बिहेव करता है। तो अमाइन ग्रुप को अपन कंसीडर करते हैं बेस की तरह, लेकिन अमाइन में जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है ये लोकलाइज्ड है या डीलोकलाइज्ड है, एक मैटर तो ये करता है यहां पे। तो भाई अवेलेबिलिटी का मतलब ये है कि अपनी लोकेशन पे फिक्स रहे, मूवमेंट नहीं करे, मूवमेंट करेगा रेजोनेंस करेगा इसका मतलब वो वीक बेस होगा। तो आप एलिफेटिक अमाइन और एरोमेटिक अमाइन में कंपैरिजन करोगे तो एरोमेटिक अमाइन में अपन कहें तो नाइट्रोजन का लोन पेयर बेंजीन रिंग में रेजोनेंस करेगा तो बेसिक बिहेवियर उसका डिक्रीज होगा। अगर आप एनसीईआरटी में जाके इसके भी डाटा देखना चाहें, फोर्थ चैप्टर जो अमाइन वाला है, तो आपको जो एलिफेटिक अमाइन है 1 degree, 2 degree, 3 degree अमाइन जो है, वो मेथिल अमाइन हो, एथिल अमाइन हो, उनका फिगर 3 से स्टार्ट हो गए पी के बी, क्योंकि यहां बेसिक बिहेवियर के लिए के बी या पी के बी से अपन चेक करते हैं, डाटा देखते हैं, तो के बी के बेसिक बिहेवियर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है और पी के बी के इनवर्स होता है। ये डाटा आप एनसीईआरटी में जाके देख सकते हो। तो एलिफेटिक अमाइन के लिए अपन कहें तो डाटा 3 से लेके 4.22 के बीच चलता है, लेकिन एरोमेटिक अमाइन में जाओगे तो यहाँ पे ये जो फिगर है, या अमोनिया तक भी चले जाए तो 4.75 पी के बी वैल्यू आता है, लेकिन जो एरोमेटिक अमाइन है इसका वैल्यू रहता है 9.38, 8.92, अप्रोक्स 9 के नियर अबाउट चलता है। तो इसका मतलब एरोमेटिक अमाइन से एलिफेटिक अमाइन जो है वो अपन कहें तो डबल से भी मोर बेसिक होता है। तो उसका सीधा सा कंसेप्ट, डाटा पे नहीं जाना, तो ये चेक करो कि लोन पे रेजोनेंस कहाँ कर रहा है, नहीं कर रहा। रेजोनेंस करना अपन कहें तो एक अच्छा इनहेंट नहीं है,
दूसरा पॉइंट कहें लोन पेयर अवेलेबिलिटी के अलावा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन डोनर एटम, भाई जिसको अपन बेस कंसीडर कर रहे हैं माइंड में, वो जो डोनर एटम है उसकी सराउंडिंग कैसी है, सराउंडिंग में उसको प्लस आई से, प्लस एच से, या अपन कहें तो प्लस एम इफेक्ट से कोई सपोर्ट मिल रहा है क्या, तो उसको इलेक्ट्रॉन रिच किया जा रहा है। जैसी सी डिमांड इंटरमीडिएट में कैटायन की होती है, कैटायन क्या चाहता है, डोनेशन, तो बेस भी क्या चाहता है, डोनेशन वाले ग्रुप उससे अटैच हो, डेंसिटी हाई होगी तो अच्छा बेस होगा। थर्ड अपन कहें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अदरवाइज एस परसेंटेज, हाई ईएन होना, एस करेक्टर हाई होना बेसिक बिहेवियर को डिक्रीज करता है। तो बोले तो ऐसे लोन पेयर नाइट्रोजन पे नहीं, लोन पेयर तो फिनॉल के ओपे भी होता है, अल्कोहल के ओपे भी होता है, हेलोजन पे भी रहते हैं, लेकिन अपन उसको बेस कंसीडर नहीं करते, करते भी हैं तो हार्ड बेस कहते। तो ओवरऑल ये तीन मेन पॉइंट हैं जिनसे आपके जनरल क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। हालांकि एक ग्रुप होता है ग्वेनिडीन, ग्वेनिडीन पैटर्न क्या है, ये वाला, जिसको इस टाइप से यहां लोन पेयर, यहां लोन पेयर है और यहां पे लोन पेयर है, तो ये एक बेस्ट सिस्टम होता है। इसके लिए अपन कहें तो ऑर्गेनिक का टॉप मोस्ट ऑर्गेनिक बेस है, हालांकि इसका डाटा आपको अमाइन में नहीं मिलेगा। इसके लिए अगर आप देखना चाहो तो बायोमोलिक्यूल में अमीनो एसिड की टेबल दी हुई, उसमें थ्री बेसिक अमीनो एसिड दिए हुए हैं जिसमें आर्जिनिन और हिस्टिडीन, ये जो दोनों बेस हैं उनमें अपन कहें तो ये वाला पैटर्न आपको मिलेगा, ग्वेनिडीन पैटर्न, और इसमें अपन कहें तो अल्टीमेट लेवल का बेस होगा, और उसमें प्रोटोनेशन साइट भी अपन कहें तो ये वाली नहीं रहेगी। रेजोनेंस की वजह से इसका जो प्रोटोनेशन होता है वो यहाँ पे एनएच पे होता है, क्योंकि पूरी डेंसिटी जाके एनएच पे कलेक्ट होती है। तो ये अगर केस है तो ये तो टॉपर वन होगा, बाकी नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो इससे होंगे। चलो क्वेश्चन करते हैं, इजी क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा टफ आता नहीं। अब आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको लगेगा नॉर्मल है, अपने पास कंसेप्ट इतना सा है। तीन चीजें आप देखेंगे, लोन पे रेजोनेंस में है, अच्छा बेस नहीं है, रेजोनेंस नहीं कर रहा, अच्छा बेस है। दूसरा, सराउंडिंग अगर सपोर्टर है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही है तो बेस को अच्छा करेगी। तीसरी बात है उसका एस करेक्टर क्या है। चलो क्वेश्चन नंबर वन देखिए, यहाँ पे 14 नंबर, क्षारीयता का क्रम लगाना है आपको, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करना है। तो देखो पहला ऑर्डर दिया हुआ है इसने, इस ऑर्डर को देखते ही कैंसिल कर दो। अब आप कहोगे क्यों बेटा, एलिफेटिक को तो पीछे ले रखा है और एरोमेटिक को आगे ले रखा है, जिनके नाइट्रोजन के लोन पेयर रेजोनेंस कर रहे हैं वो तो टॉपर बेस बन रहे हैं, और जिसका लोन पेयर लोकलाइज्ड है वो ऐसा नहीं। बाकी मैं तो ये भी बोलूंगा, फिगर भी देखो एनसीईआरटी में, माइन चैप्टर में जाके देखोगे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इनकी लाइन चलती यहां से यहां तक, ये जो है वो इनका 9 से भी डाटा अबव चलता है पीकेबी का, और इसका 3 से शुरू हो जाता है, 3.25 3.27, एग्जैक्ट डाटा पे जाके देखना हो तो भैया यहां पर रॉन्ग है, क्योंकि लोकलाइज डीलोकलाइज्ड, मैंने क्या बोला था, इलेक्ट्रॉन पेयर लोकलाइज्ड होना चाहिए, तो लोकलाइज्ड किसका है, इसका है, रेजोनेंस नहीं कर रहा, तो आगे ये होना चाहिए था, रॉन्ग हो गया फर्स्ट। सेकंड में जाओ, सेकंड ठीक लग रहा है, एलिफेटिक को टॉप पे लिया है, लेकिन प्रॉब्लम आ गई इन दोनों में। देखो सब, ये जो दोनों ग्रुप हैं इन दोनों की कॉमन प्रॉब्लम ये है, रेजोनेंस में ये तीनों रेजोनेंस कर रहे हैं, पर जो नाइट्रो है वो सपोर्टर थोड़ी है, वो तो इलेक्ट्रॉन विड्रो करेगा माइनस एम माइनस आई लगा के, ऐसा करेगा तो बेस वो अच्छा कैसे होगा, बेस के लिए तो डोनर चाहिए, विड्रोवर नहीं चाहिए, तो डोनर था मेथोक्सी, उसको पीछे कर दिया इसलिए हम इसको भी नहीं लेंगे। नेक्स्ट वाले पे जाओगे, एलिफेटिक को पहले लिया क्योंकि लोन पे रेजोनेंस नहीं कर रहा, अब रेजोनेंस वाले तीनों पीछे लिए, ठीक है, उन तीनों में से इसको यहां पे आगे लिया, बढ़िया बात है, क्योंकि प्लस एम इफेक्ट लगा रहा है, डोनेट करके इलेक्ट्रॉन रिच करेगा रिंग को, और ओवरऑल एनएच टू का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा, बढ़ेगा तो इसलिए वो अच्छा बेस होगा। यहां पे डोनर नहीं है तो कोई विड्रोवर भी नहीं है। लास्ट वाले के साथ आपने माइनस एम माइनस आई लगाया, पीछे लेना चाहिए क्योंकि विड्रो करके उसकी क्या डेंसिटी कम करेगा। थर्ड ही आपका बेसिसिटी का बढ़ता हुआ ऑर्डर है, तो फिर लास्ट वाले में क्या प्रॉब्लम है, ये प्रॉपर है, ये प्रॉपर है, इन दोनों में फिर गड़बड़ कर दी, ये आगे जाना चाहिए था, उसे पीछे आना था, तो इसलिए आंसर जो रहेगा वो कौन सा, थर्ड। तीन पॉइंट जो बताए उसे ही सॉल्व हो रहा है, लोकलाइज्ड होना चाहिए तो लोकलाइज्ड है, फिर आपके पास जो डीलोकलाइज्ड वाला, इन तीनों में डीलोकलाइज्ड है तो फिर आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से उसे सॉल्व कर दे। नेक्स्ट जाइए अगले क्वेश्चन पे, एरिलमाइन की क्षारीयता के लिए सही कथन है, करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग बेसिसिटी ऑफ एरिलमाइन। अभी एरिलमाइन का मतलब क्या है बेटा, बात किसकी हो रही है, इसकी, ये एरोमेटिक बेंजीन रिंग है, इस पे अगर आप एनएच टू को लेते हो तो ये एरिलमाइन है, और एरिलमाइन के साथ ये देखो क्या कहना चाहता है, अपने को यहां पर पता करना है सही कथन कौन सा है, स्टेटमेंट दिए हुए हैं, पहला स्टेटमेंट पढ़ो, एरिलमाइन सामान्यतः एल्किलमाइन से ज्यादा क्षारीय होता है। देखो ये आपने एरिलमाइन लिया है, एल्किलमाइन आप ये ले लो, आर को अपन एल्किल ग्रुप कह रहे हैं,
तो एल्किलामाइन में अपन कहें तो नाइट्रोजन का लोन पेयर लोकलाइज्ड है, रेजोनेंस नहीं कर रहा, जबकि यहां वाला तो रेजोनेंस में बिजी है क्योंकि खुद एक प्लस एम ग्रुप है, रिंग से रेजोनेंस करेगा, तो ये अच्छा बेस कैसे हो सकता है? क्योंकि अगर अपन एलिफेटिक और एरोमेटिक में कंपैरिजन करें तो एलिफेटिक ज्यादा बेटर बेस होता है, एल्किलामाइन ज्यादा बेटर होता है, जबकि ये तो गलत कह रहा है, एलिलामाइन एल्किलामाइन से ज्यादा क्षारीय होता है, एरिलामाइन आर जनरली मोर बेसिक, मोस्ट ऑफ केस में अपन कहें तो मोर बेसिक होता है, गलत, ये स्टेटमेंट स्टार्ट से ही गलत है, मोर बेसिक होता ही नहीं है ये। फिर देखें एल्किल समूह के कारण एरिलामाइन सामान्यतः एल्किल अमाइन से ज्यादा क्षारीय है, एरिल समूह की वजह से, मतलब ये जो एरोमेटिक रिंग है, एरिल अमाइन आर जनरली मोर बेसिक देन एल्काइल अमाइन बिकॉज ऑफ एराइल ग्रुप। तो बेटा लॉजिक कोई है ही नहीं, जब वो बेसिक है ही नहीं मोर, तो इसलिए इसको भी छोड़ दो, इसका जो लॉजिक दे रहा है वो भी गलत दे रहा है कि इस रिंग की वजह से ऐसा है। नेक्स्ट एरिलामाइन सामान्यतः एल्किलामाइन से ज्यादा क्षारीय है, फिर वही एरिलामाइन को ज्यादा बेसिक बता रहा है, एरिलामाइन आर जनरली मोर बेसिक, होता ही नहीं है एरिलामाइन, तो ये स्टेटमेंट की फर्स्ट लाइन में जब ये देता मोर बेसिक तो ये रोंग हो जाता है। लास्ट वाला एरिलामाइन सामान्यतः एल्किलामाइन से कम क्षारीय है, हाँ ये ठीक बात बोला है, ये एरिलामाइन है, ये एल्किलामाइन है, ये कम बेसिक है, क्यों है? क्योंकि नाइट्रोजन के एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक वलय के साथ पाई इलेक्ट्रॉन के साथ विस्थापित होते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये बेंजीन रिंग के साथ क्या शो कर रहे हैं, रेजोनेंस शो कर रहे हैं। एरिलामाइन आर जनरली लेस बेसिक, ठीक है ये बात, एल्काइलामाइन बिकॉज द नाइट्रोजन लोन पेयर, ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन आर डीलोकलाइज बाई इंटरेक्शन विद द एरोमेटिक रिंग पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, इस पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम से रेजोनेंस करेगा, लॉजिक भी बिल्कुल परफेक्ट है। तो बेसिक पॉइंट ये था कि अपन बेसिक बिहेवियर चेक करेंगे तो उसमें लोकलाइज डीलोकलाइज चेक करेंगे, तो उसके बेस पे सॉल्व करना था और उसमें अपने को लॉजिक भी उसका दिया हुआ है प्रॉपर। नेक्स्ट देखें, इसके बाद क्षारीय क्षमता का बढ़ता हुआ सही क्रम, करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। अब आपके पास ऑर्डर ऑर्डर लगाना है तो देखो यहां पर है क्या, जो तीनों बेस वो कंपेयर कराना चाह रहा है वो तीनों ही घटिया है, वजह इसका लोन पेयर भी रेजोनेंस कर रहा है, इसका लोन पेयर भी रेजोनेंस कर रहा है, इसका लोन पेयर भी रेजोनेंस कर रहा है, पर यहां ये कहने की जरूरत नहीं है, साथ में कोई एलिफेटिक अमाइन है ही नहीं ना, तीनों में डिसाइड करना है, तीनों में कॉमन फैक्टर है कि तीनों डीलोकलाइज है, तीनों अच्छे नहीं है। तो अब देखें क्या ये जो ग्रुप यहां एड है ये आंसर डिसाइड करेगा, क्योंकि ये CH3 होगा प्लस एच का प्लस आई का ग्रुप, क्योंकि अगर एक डबल बॉन्ड के साथ अल्फा एच आ जाते हैं तो डोनेशन वाला हाइपर कंजुगेशन होता है और sp3 कार्बन sp2 के लिए डोनर वाला इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा, और बेस के लिए ये दोनों ही बातें अच्छी हैं, बेस को इलेक्ट्रॉन डोनर ही बेटर लगते हैं। नाइट्रो जो है माइनस एम माइनस आई लगाएगा, विड्रोविंग इफेक्ट लगाएगा, नाइट्रोजन है तो कार्बन से विड्रो करेगा और मेसोमेरिक में भी विड्रो करेगा, तो इसका मतलब ये बेस के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि डेंसिटी पूरी की पूरी इसकी साइड शिफ्ट हो जाएगी, तो अच्छा बेस कैसे है? तो तीनों में से टॉपर कौन सा बनेगा? थर्ड यहां पर टॉपर है, थर्ड टॉपर किसमें दिया हुआ है? यहां थर्ड टॉपर है और किसी में थर्ड टॉपर है ही नहीं, एक ही आंसर है, आप ऑप्शन की हेल्प लोगे क्वेश्चन सीधा हो गया। थर्ड के बाद अपने को वैसे फर्स्ट पे आना है क्योंकि कोई विड्रोवर नहीं है, फिर अपने को सेकंड पे जाना है, तो आंसर जो रहेगा कौन सा? 3। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद जलीय विलयन में मैथिल प्रतिस्थापी अमीनों की क्षारीयता का क्रम, द करेक्ट ऑर्डर बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ मिथाइल सब्स्टिट्यूट अमाइन इज एक्वस सॉल्यूशन। बेटा ये वैसे फैक्ट वाला क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आपके पास मिथाइल अमाइन जो दिए हुए हैं 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, इन अमाइन का बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हम लगाएं, ये 1 डिग्री अमाइन है, ये 2 डिग्री अमाइन है, ये आपके पास 3 डिग्री अमाइन, इनका बेसिक बिहेवियर का ऑर्डर लगाना चाहे रूल रेगुलेशन से तो लोन पेयर बेटा इन तीनों में लोकलाइज्ड है, कॉमन बात है, EN या S करेक्टर सबका सेम है क्योंकि सब sp3 हाइब्रिड हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करें तो इस नाइट्रोजन पे एक डोनर है, इस नाइट्रोजन पे 2 डोनर हैं, इस नाइट्रोजन पे 3 डोनर हैं, तो बेसिक बिहेवियर का ऑर्डर बनता है ये वाला। हालांकि ऑर्डर परफेक्ट भी है लेकिन कंडीशन होनी चाहिए गैस फेज में, अगर बेसिक बिहेवियर पूछे जो इसने नहीं दिया आपको, इसने दिया है एक्वस सॉल्यूशन में आपको बताना है, तो एक्वस सॉल्यूशन में एलिफेटिक ये ऑर्डर जो मैंने लगाया ये गैस फेज का बेसिक बिहेवियर का ऑर्डर है, एक्वस सॉल्यूशन में जाने पे अदर फैक्टर बेसिक बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं, क्राउडिंग फैक्टर काम करता है, हाइड्रेशन एनर्जी काम करता है, बट ओवरऑल उनका जो आंसर आता है वो ये ना आकर के वो 0 डिग्री को बेटर बताएगा। तो फाइनली अगर एक्वस मीडियम में पूछता है तो एनसीईआरटी में जो डाटा दिए हुए उनके अकॉर्डिंग अपने को ये क्वेश्चन सॉल्व करना होगा।
अब डाटा के अकॉर्डिंग सॉल्व करें तो डाटा याद करें, नहीं उसको आप ट्रिक से याद रख सकते हैं। अगर यहां पे ये मैथिल वाला केस है तो 2 1 3, 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री, ऐसे आप इसको याद रख सकते हो। और अगर इसके साथ अमोनिया भी दिया हो, अभी फिलहाल अमोनिया नहीं दिया हुआ, तो हम सीधा से एक डिजिट याद रखते हैं 2130। 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री 0 डिग्री एक्वस सॉल्यूशन में मैथिल अमाइन के लिए, अगर यहां पे आर जो है ये मैथिल है तो, और अगर ये एथिल हो तो आएगा 2310। अब जीरो में किसको ले रहा हूं, अमोनिया को, क्योंकि उसका डाटा भी एनसीईआरटी में दिया हुआ, पीकेबी 4.75। तो बोले तो यहां पे फिलहाल अपने को जो यूज करना है ये 213 वाला, क्योंकि उसने मैथिल का दिया है आपको। तो 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री 3 डिग्री पहले दिया गलत हो गया, 1 डिग्री पहले दिया गलत है, 2 डिग्री दिया हुआ यही फाइनल है, 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री। तो यह आए, ये एनसीईआरटी डाटा के बेस पे है, डाटा नहीं याद रहते इसलिए हमने उनको ट्रिक से सेट कर दिया। और अगर ये दोनों भी आ जाते हैं तो भी आप उसको सॉल्व कर सकते हो, पहले 231 लेना है फिर 213 लेना है, तो आप भी थोड़ा सा डाटा एनसीईआरटी से चेक करें तो ज्यादा बेटर है, उसके अकॉर्डिंग करना है इसको। नेक्स्ट देखें, इसके बाद वह यौगिक जिसको प्रोटोनीकृत करना सर्वाधिक कठिन है, कंपाउंड दैट इज मोस्ट डिफिकल्ट टू प्रोटोनेट इज। अब प्रोटोनेट किसको करोगे जो एक बेसिक बिहेवियर शो कर पाए। देखो आपके सामने जो है ये एक ईथर बेस है, ये एक वाटर बेस है, ये एक फिनॉल है, और ये एक आपके पास मेथेनॉल है, सबके पास लॉन पेयर है। लॉन पेयर पे आके प्रोटॉन जो है वो लॉन पेयर एक्सेप्ट करना चाहता है, तो यहां वो पूछना चाहता है जिसको प्रोटोनीकरण करना सर्वाधिक कठिन है। तो बेटा जहां पे लॉन पेयर अवेलेबल ही नहीं होगा वो सबसे ज्यादा टफ होगा उस लॉन पेयर को एक्सेप्ट कर पाना। तो यहां अगर मैं इन चारों में कंपेयर करता हूं तो मुझे लगता है एक ही लॉन पेयर है जो रेजोनेंस में बिजी है, बाकी में तो यहां पे डोनेशन करेगा। यहां पे अपन कहें तो ये दोनों ग्रुप डोनेट करेंगे, इलेक्ट्रॉन रिच साइट होंगी, ये जो है वो एक इलेक्ट्रॉन पुअर साइट होगी। यहां पे अगर कोई प्रोटॉन आकर के इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहता है तो वो सबसे टफ जॉब होगा। तो यही आपका आंसर है, क्योंकि इसका प्रोटोनेशन सबसे डिफिकल्ट जॉब है, तो ये आपका आंसर आएगा 2। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन अपना जीओसी का है, इलेक्ट्रॉन स्नेही के लिए सही कथन है, करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इलेक्ट्रोफाइल। अपन ने एसिडिक बिहेव, बेसिक बिहेव पे बात कर ली, इंटरमीडिएट पे बात हो गई, हक्कर लूल हो गया, एचओएच हो गया, आईआरएच से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हो गए। अब यहाँ पे लास्ट रिएक्शन वाला पार्ट है, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल अपन कहें, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, ये दोनों वर्डिंग का मीनिंग क्या है, एक्चुअल में रिएक्टिव स्पीसी जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे। इलेक्ट्रोफाइल कहें तो इलेक्ट्रॉन पुअर होगा, इलेक्ट्रॉन लवर होगा। न्यूक्लियोफाइल कहें तो न्यूक्लियस बोले तो पॉजिटिव लवर होगा, या अपन कहें तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसी होगी। और इलेक्ट्रोफाइल्स में अपन कहें तो अलग अलग वैरायटी हो सकती है, जैसे इनकम्प्लीट ऑक्टेट स्पीसी जो है ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती है, जिनमें वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट हो वो भी इलेक्ट्रोफाइल का इलेक्ट्रॉन पुअर का बिहेव शो करते हैं, कार्बीन है, नाइट्रीन है, ये स्पीसी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट है, 6 इलेक्ट्रॉन वाली है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह पार्टिसिपेट करती है। या अपन कहें तो जिनमें डिफरियन में पाई बॉन्ड होता है ये वाली स्पीसी भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करती है, या पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग स्पीसी है ये भी सब क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स। तो इलेक्ट्रोफाइल होने का मतलब, इलेक्ट्रोफाइल बोले तो इलेक्ट्रॉन लवर, इलेक्ट्रॉन से नहीं कहें तो इलेक्ट्रॉन से लव करने वाला, और लव उससे होगा जो हमारे पास नहीं है। इलेक्ट्रॉन पुअर जो है जिसके पास इलेक्ट्रॉन खुद के पास नहीं, वो इलेक्ट्रॉन चाहेगा, हाँ वो डिफिशियंसी होने के अलग अलग अंदाज हो सकते हैं, कभी उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीशन हो या डी ऑर्बिटल का वैकेंसी का कोई केस हो, ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो, डिफरियन में पाई है तो बॉन्ड ओपन हो जाता है हाई एन पे इसलिए वो डिफिशियंट हो जाता है, या ये वो वाले पुअर हैं जो मैं ये कहूंगा कि एनी टाइम रिप्रेजेंट करते रहते हैं कि हम इलेक्ट्रॉन पुअर हैं, पॉजिटिव चार्ज होना मतलब साइन है एक इलेक्ट्रॉन पुअर होने का, तो इनके बारे में ये पूछना चाह रहा है। तो ये बेसिक इलेक्ट्रोफाइल का कंसेप्ट हुआ। न्यूक्लियोफाइल इसके अपोजिट अपन कहें जो रिच होगा, रिच होने के लिए लॉन पेयर हो सकता है, नेगेटिव चार्ज हो सकता है, वीक पाई बॉन्ड हो सकता है, ये सब न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी बनती। तो देखो क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन से नहीं ऋणात्मक आवेशित स्पीसी है, तो पहली लाइन गलत है, इलेक्ट्रोफाइल इज ए नेगेटिवली चार्ज स्पीसी। नेगेटिव चार्ज वाले बेटा न्यूक्लियोफाइल होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, नेगेटिव चार्ज होने का मतलब, तो यहां पे नेगेटिव चार्ज वाला कोई एग्जांपल नहीं होता इलेक्ट्रॉन से नहीं। तो ये पहला स्टेटमेंट तो गलत है, क्योंकि उसने अपने से करेक्ट स्टेटमेंट जानना चाहा है, सही कथन बताना है, तो ये नहीं चल पाएगा। इलेक्ट्रॉन से नहीं सामान्यतः उदासीन स्पीसी है, इन जनरल सामान्यतः अपन कहें तो इलेक्ट्रोफाइल जनरली न्यूट्रल स्पीसी है। नहीं भाई, यहां पे न्यूट्रल है तो पॉजिटिवली चार्ज भी तो है, चलो वैसे ही ठीक जा सकता है, लेकिन अभी दूसरे ऑप्शन पे भी जाएं अपन,
एक और ऑप्शन देखें, इलेक्ट्रॉन्स नहीं उदासीन या धनात्मक आवेशित स्पीसी है, इलेक्ट्रोफाइल कैन बी आइदर न्यूट्रल और पॉजिटिवली चार्ज स्पीसी, उसके कंपैरिजन में ये स्टेटमेंट ज्यादा बेटर है। क्यों? क्योंकि ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है, ये कैटेगरी न्यूट्रल है, बट पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल्स भी तो होते हैं, आप ओनली न्यूट्रल पे कैसे बात कर सकते हो? तो यहां पे सेकंड वाले से ज्यादा बेटर ऑप्शन आपके पास कौन सा होगा? थर्ड वाला। इलेक्ट्रॉन्स नहीं उदासीन या धनात्मक आवेशित स्पीसी है तथा नाभिक स्नेही से इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करके आबंध बना सकते हैं स्पीसी एंड कैन फॉर्म बॉन्डेड एक्सेप्टिंग ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियोफाइल। ठीक बात है, रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल होगा तो न्यूक्लियोफाइल भी होगा, कोई पुअर होगा तो कोई रिच भी होगा, रिच को न्यूक्लियोफाइल कहेंगे, उससे इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और बॉन्डिंग करेगा। बिल्कुल ठीक बात है, ये इलेक्ट्रोफाइल के लिए परफेक्ट स्टेटमेंट है। फिर इलेक्ट्रॉन्स नहीं ऋणात्मक आवेशित स्पीसी, गलत, इलेक्ट्रोफाइल आर नेगेटिवली चार्ज स्पीसी। नेगेटिवली चार्ज कंडीशन आती न्यूक्लियोफाइल की बात आई, नेगेटिव लोन पेयर पाई बॉन्ड, ये न्यूक्लियोफाइल का साइन होता है, तो इसलिए इसके लिए परफेक्ट ऑप्शन रहेगा थर्ड। चलिए नेक्स्ट, किसकी सबसे कम लुईस शार की तरह व्यवहार करने की संभावना है? सबसे कम लुईस शार की तरह व्यवहार करने की संभावना, लीस्ट लाइकली टू एक्ट एज ए लेविस बेस, बेस का बिहेवियर मिनिमम जिसमें हो वो बताना है। तो देखो बेटा, BF3 एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसी है, बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो बेस क्यों बनेगा? तो वो यही जानना चाहता है, लीस्ट लाइकली टू एक्ट एज ए लेविस बेस, बेस वो होता है और वो भी लेविस बेस कौन होता है? जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे। तो क्या सेकंड वाले स्पीसी में लोन पेयर डोनेट करने का चांस है? बिल्कुल है, PF3 में फॉस्फोरस पे लोन पेयर है, होने को फ्लोरीन पे भी तीन तीन लोन पेयर है। CO में जाओगे तो CO में भी ऐसी पोजिशन रहेगी, या अपन एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी मानते हैं इसमें, तो ओवरऑल अपन कहें तो यहाँ पे एज ए लिगेंड बिहेव करता है, अपना लोन पेयर डोनेट करता है। F नेगेटिव है, तीन लोन पेयर भी हैं और एक नेगेटिव चार्ज में भी टू इलेक्ट्रॉन है, हालांकि BF3 में भी ऐसा है, यहाँ पे F के पास लोन पेयर हैं, लेकिन ये F के लोन पेयर बिजी रहते हैं किसके साथ? बैक बॉन्डिंग करने के लिए बोरॉन के साथ। तो इनमें से सबसे कम जो लेविस बेस बनने की पॉसिबिलिटी है वो किसके पास है? BF3 के पास, BF3 आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखें, इसके बाद नाभिक स्नेही अभिक्रिया होने के लिए कौन सा इलेक्ट्रॉन स्नेही विस्थापन सबसे अधिक सही है? Which of the following is the most correct electron displacement for nucleophilic reaction of Tech-Palace? देखो सब आपके सामने जो मॉलिक्यूल दिए हुए हैं वो सब क्लोराइड 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 मॉलिक्यूल दिए हुए हैं, तो अगर आपके पास एल्किल क्लोराइड हो तो एल्किल क्लोराइड की रिएक्शन का नेम होता है न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन। सबस्टिट्यूशन का मतलब एक कोई स्पीसी अटैक करती है और किसी एक स्पीसी को मॉलिक्यूल से रिमूव करती है, तो ये वो मॉलिक्यूल है जो न्यूक्लियोफाइल को लाइक करता है, न्यूक्लियोफाइल अपने इलेक्ट्रॉन लेके आएगा और इन दोनों में जहां दोनों में स्ट्रेस रहता है ईएन गैप की वजह से, ये बॉन्ड एक पोलर बॉन्ड होता है, तो ये बॉन्ड कट होके इस पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल पे ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और ये सीएल यहां से आउट हो जाएगा। इस रिएक्शन की ये बात कर रहा है, जो अपने को समझना है न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन कौन सी है, उसमें इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट इसने शो किया है वो कौन सा बेटर है। ये वाला इंडक्टिव इफेक्ट प्रॉपर दिखा रहा है, ये इंडक्टिव इफेक्ट सही है, और यहां पे अपन कहें तो ये इलेक्ट्रॉन यहां मूव करें, लेकिन क्यों करें, यहां तो कुछ मूवमेंट दिखाया ही नहीं। अब यहां पे सीएल रिमूव करता हुआ दिखा रहा है जैसा रिएक्शन में होना चाहिए, पर ये इंडक्टिव भी सही है। यहां जाओगे ये सीएल रिमूव होगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पॉजिटिव को कवर करने के लिए इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा ना कि बैक, तो ये गलत हो गया, ये रॉन्ग है। इसमें देखो सीएल को रिमूव कर दिया, पॉजिटिव के लिए इलेक्ट्रॉन यहां से रेजोनेंस करा दिए और इस पॉजिटिव के लिए यहां पर इंडक्टिव शो कर दिया, सबसे अच्छा रिप्रेजेंटेशन ये, क्योंकि जैसा पूरा प्रोसेस होना है उसके अकॉर्डिंग यहां एक हेट्रोकट होना है, पॉजिटिव के लिए रेजोनेंस होना है और बैक साइड से इंडक्टिव होना है, तो ये पूरा का पूरा रिएक्शन के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए कार्बन चेन में उसका परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन जो है वो किसमें है? फोर्थ में। नेक्स्ट देखो, इसके बाद नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक ए दिया हुआ है दूसरा कारण दिया हुआ है, तो अभिकथन और रीजन, कारण दे रखा है, असर्शन दिया हुआ है, रीजन दिया हुआ है, बात करते हैं किसमें क्या दे रखा है। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन अपनयन समूह है परंतु इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में ऑर्थो पैरा निर्देशकारी होता है। क्लोरीन इज ए इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप बट इट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देखो बेटा, ये जो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन है ये कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है बेंजीन और बेंजीन फैमिली मेंबर्स की। जैसे अभी अपन जस्ट प्रीवियस रिएक्शन में बात कर रहे थे, एल्किल हैलाइड होगा तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन कौन सी है? न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन।
जबकि इनके लिए कौन सी? इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन, क्योंकि ये अपने पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से किसी इलेक्ट्रोफाइल को अपने पे सेटल करता है, लेकिन बाद में इसकी एरोमेटिसिटी लॉस होती है तो उसको गेन करने के लिए वापस एक इलेक्ट्रोफाइल एच प्लस को लूज करता है। मतलब यहां पे एक इलेक्ट्रोफाइल आगे एंटर करेगा और एक इलेक्ट्रोफाइल को बाहर करेगा, ये है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन जिसकी ये बात कर रहा है। और उस बात में अपन ये रिएक्शन की बात कर रहा है किसके लिए? अगर आप यही क्लोरोबेंजीन के लिए रिएक्शन की बात करें तो क्लोरोबेंजीन जो होता है उसमें क्लोरो ग्रुप एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप का बिहेव करता है, क्योंकि इसमें एम इफेक्ट के साथ साथ आई इफेक्ट काम करता है और डोमिनेटिंग आई होने की वजह से अपन कहें तो इसका बिहेवियर जो रहता है वो कैसा रहता है? विड्रॉविंग इफेक्ट का बिहेव शो करता है। तो ठीक बोल रहा है ये, क्लोरीन इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप बट इट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। लेकिन देखो ये हेलोजन ग्रुप अगर किसी कार्बन चेन पे अटैच है तो उसका इंडक्टिव डोमिनेट रहता है रेजोनेंस से, इसलिए विड्रॉवर का बिहेव करता है। लेकिन इस क्लोरोबेंजीन पे जब भी कभी आप ESR कराओगे तो उस पे इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल जो होगा वो कहां आएगा? ऑर्थो पैरा, क्योंकि ये अपने को ध्यान रखना है साथ में प्लस एम भी काम करता है, लोन पेयर कंटेनिंग है, तो डेंसिटी जो रहती है वो कहां रहती है? ऑर्थो पैरा। NCERT के फर्स्ट चैप्टर में 12th का जो फर्स्ट चैप्टर दिया हुआ उसमें इसकी पूरी ESR रिएक्शन भी दे रखी है, ऑर्थो पैरा, फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन, एसाइलेशन, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सब ऑर्थो पैरा अटैक होते हैं। तो बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। फिर सेकेंड अपन कहें क्लोरीन का प्रेरणिक प्रभाव इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन के दौरान बने मध्यवर्ती को अस्थायी करता है। ठीक बात है। जैसे यहां पे अपन कहें तो यहां अपन कहें जैसे यहां क्लोरीन लगा हुआ है, यहां अगर अपन ने इस बॉन्ड को ओपन कर दिया, यहां अपन इस बॉन्ड को ओपन करते हैं ऑर्थो के लिए, ऑर्थो ओपन करते हैं, ऑर्थो पर डेंसिटी गई, यहां पॉजिटिव चार्ज आया, यहां इलेक्ट्रोफाइल एंटर कर गया, तो एक ऐसी पॉसिबिलिटी बनेगी। तो यहां पे ये जो क्लोरीन है, जो ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा उसके लिए अपन कहें तो एक बैकबॉन्डिंग का काम करेगा, तो ज्यादा बेटर इंटरमीडिएट बनाएगा। तो इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ क्लोरीन डिस्टर्बलाइज द इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन फॉर्म्ड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोफाइल। अगर मैं इस Cl का इंडक्टिव कहूं तो इंडक्टिव तो इसको क्या करेगा? अनस्टेबल करेगा। हाउएवर ड्यू टू द मोर प्रोनाउंस्ड रेजोनेंस इफेक्ट द हेलोजन स्टेबलाइज द कार्बोकेटायन एज ऑर्थो पैरा पोजिशन। तो देखो सब यहां पर ये जो हेलोजन लगा हुआ है इसका रेजोनेंस इफेक्ट स्टेबल कर रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट अनस्टेबल कर रहा है, क्लोरीन का प्रेरणिक प्रभाव इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन से बने मध्यवर्ती को अस्थायी कर रहा है। जैसे यहां पे ये मध्यवर्ती बना हुआ है तो इंडक्टिव इफेक्ट तो उस पॉजिटिव के लिए अच्छा नहीं है बट रेजोनेंस तो उसके लिए बेनिफिशियल है, तो यही कह रहा है। परंतु अधिक प्रभावशाली अनुनाद प्रभाव के कारण हेलोजन ऑर्थो पैरा स्थितियों पर कार्बधनायन को स्थायी करता है। तो जो यहां पर लॉजिक जो यहां पर स्टेटमेंट दिया उसका बिल्कुल परफेक्ट रीजन यहां पर दे रखा है, तो कथन भी सही है, कारण भी सही है, एसेसन सही है, रीजन सही है। तो देखो ऑप्शन क्या लेंगे अपन, ए सही है परंतु आर सही नहीं है, गलत। ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट। ए सही नहीं है परंतु आर सही है, नहीं ये वाला भी नहीं चलेगा। बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक बात है। ए में एसेसन में तो क्या बता रहा है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन अपने समूह है परंतु ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव होता है, तो उसका लॉजिक जो बताया है वो भी बिल्कुल ठीक है, तो ये थर्ड इसके लिए परफेक्ट रहेगा, थर्ड जाएगा। ए और आर दोनों ही सही हैं, ए आर की सही व्याख्या नहीं है। व्याख्या क्यों नहीं, पूरा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे दिया इसने, बोथ ए एंड आर इज करेक्ट बट आर इज द नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, इसलिए अपन इसमें क्या लेंगे, थर्ड लेंगे। ESR एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन से रिलेटेड बात थी। तो यहां अपन मैं एक बार समराइज कर दूं बात को फिर से, देखो सब क्या है, स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, थोड़ा ठीक से देखना है एक्चुअल में है क्या। ये एरोमेटिक मॉलिक्यूल है जिनका रिएक्शन होता है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सबस्टिट्यूशन। अगर आप क्लोरोबेंजीन में ये रिएक्शन कराओ, क्लोरोबेंजीन भी एरोमेटिक फैमिली की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन को फॉलो करेगा, ESR शो करेगा, उस ESR में यहां जब इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो ऑर्थो पैरा आना चाहेगा, एंट्री ऑर्थो पैरा होगी, जिसका एग्जाम्पल DDT भी दिया हुआ है। DDT का फॉर्मेशन जब क्लोरिन से करते हो तो ये पैरा लोकेशन कैच रिमूव होकर DDT बनता है, और बाकी एग्जांपल भी देखना चाहो NCERT में सारे दे रखे हैं, ऑर्थो पैरा पे एंट्री होती है इलेक्ट्रोफाइल। तो यहां उसके बारे में ये कह रहा है कि जो क्लोरीन एटम है एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है, अपने बोले तो
इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप की तरह बिहेव करता है, लेकिन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव होता है, दोनों चीजें अपोजिट हैं। एक स्पेशल केस होता है विड्रोवर है, जनरली जो विड्रोवर होते हैं वो मेटा डायरेक्टिव होते हैं, लेकिन वो बात होती है नाइट्रो के लिए, एल्डिहाइड के लिए, कार्बोक्सी बेंजोइक एसिड, बेंजल्डिहाइड, नाइट्रोबेंजीन, इनमें माइनस एम माइनस आई के ग्रुप हैं, विड्रोवर है, मेटा डायरेक्टिव होते हैं, डीएक्टिवेटर होते हैं। हेलोजन होता तो डीएक्टिवेटर है विड्रोवर की वजह से, बट रिएक्शन ऑर्थोपैरा पे कराता है, जिसका लॉजिक इसने यहां पे दिया, क्लोरीन का प्रेरणिक प्रभाव इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन में बने मध्यवर्ती को अस्थायी करता, इंडक्टिव तो अनस्टेबल करता है, लेकिन उसका अधिक स्थायी अनुनाद प्रभाव ऑर्थोपैरा स्थिति पर बने धनायन को स्टेबल करता है। तो ये बात यहां ये कहना चाह रहा है कि भाई इंडक्टिव इफेक्ट क्लोरीन डिस्टेबलाइज द इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन फॉर्म ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, हाउएवर ड्यू टू द मोर प्रोनाउंस्ड रेजोनेंस इफेक्ट हैलोजन स्टेबलाइज इन लाइट द अबोव स्टेटमेंट स्टेबलाइज। तो यहां पे अपन कहें तो जब ये क्लोरोबेंजीन है, ये अपना ईएसआर करेगा, मान लो इलेक्ट्रोफाइल आया, यहां आया तो यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहां क्लोरीन है, यहां अपन कहें तो इलेक्ट्रोफाइल की एंट्री हो गई, बॉन्डिंग हो गई, ये पाई पाई। अब यहां इंडक्टिव इस पॉजिटिव के लिए अच्छा नहीं है, बट रेजोनेंस तो काफी अच्छा है ना, ये पॉजिटिव इसके सामने आएगा तो क्या होगा, यहां पे इसको बैकबॉन्डिंग मिलेगी। अभी मान लो यही इलेक्ट्रोफाइल एंटर किया होता कहां पे, मेटा पे, क्लोरो यहां है, मेटा लोकेशन पे अगर आप इलेक्ट्रोफाइल को एंटर करते तो पॉजिटिव चार्ज होता यहां पे और ये वाली पॉसिबिलिटी बनती, तो ये पॉसिबिलिटी है, तो ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होता, इसके बाद इस पॉजिटिव के इस बॉन्ड के यहां शिफ्ट होने के बाद पॉजिटिव यहां निकलता, मतलब क्लोरो से सीधा बाईपास निकल जाता, तो बोले तो इंटरमीडिएट सिग्मा कॉम्प्लेक्स जिसे कहते हैं वो स्टेबलाइज नहीं होता। तो रीजन भी बिल्कुल परफेक्ट दिया हुआ है, इसलिए अपन ने आंसर जो लिया है कौन सा, थर्ड। तो किस यौगिक में नाइट्रोजन की मात्रा का आकलन करने के लिए नाइट्रोजन आकलन की केल्डोल विधि का प्रयोग करते हैं, जेल्डोल मेथड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन कैन बी यूज टू एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन फॉलोइंग कंपाउंड। जेल्डोल मेथड जो है वो नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के लिए यूज होता है, लेकिन नाइट्रोजन कंटेनिंग ये सभी हैं, उसमें से अपन कहें तो ये जो मेथड है मेनली यूज होगा एनिलीन के लिए, क्योंकि डाईएजो ग्रुप नाइट्रोबेंजीन या पिरीडीन मॉलिक्यूल के लिए मेथड यूज नहीं होता है। तो ये जेल्डोल मेथड जिसके लिए यूज किया जा सकता है वो है आपका लास्ट, ये एक मॉलिक्यूल जो है ये कौन सा, एनिलीन। बाकी रिमेनिंग एक्सेप्शनल केस है, नाइट्रोजन कंटेनिंग है, सीएन डबल बॉन्ड है, अच्छा लिविंग ग्रुप है, अदर कुछ रीजन है, ये भी डबल बॉन्ड वाला, ये भी डबल बॉन्ड वाला, नाइट्रो में भी अपन कहें तो एनओ डबल बॉन्ड आएगा, तो ये रिलीज होने वाले ग्रुप हैं, इजीली रिलीज हो जाएंगे तो एस्टिमेशन नहीं कर पाओगे। तो मेनली अपन यहां पे जिसका एस्टिमेशन कर सकते हैं नाइट्रोजन का जिस मेथड से वो है एनिलीन मॉलिक्यूल। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, जीओसी में सारे पॉइंट पे बात हुई, कुछ एक्स्ट्रा कंसेप्ट थे आसपास के उनकी भी बात हो गई। तो जय जय सीएलसी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट गुरुनीति में।